अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, तो दोस्तों आज जो है ना, एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लास्ट टाइम जिस तरीके से मैंने आपको ब्रॉयलर के बारे में बताया था कि ब्रॉयलर फीड जो होती है, क्या अगर आप कबूतरों को दे सकते हैं, और अगर आप दे सकते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं, और फिर उसके बाद मैंने जो है ना एक नेक्स्ट वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको ब्रॉयलर फीड की जो है ना खसूसियात बताई थी कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आता है। तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं, और यहाँ पे बेल बटन भी आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार आज आपको मैंने लेयर फीड के ऊपर बताना है। लेयर फीड के ऊपर बेसिकली, जिस तरह आपको पता है कि ब्रॉयलर फीड जो है वो मुर्गी के वजन बढ़ाने को, गोश्त बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और लेयर फीड जो है वो मुर्गी के अंडों को सेहतमंद बनाने के लिए और उनकी न्यूट्रिशन पूरी रखने के लिए, कि मुर्गी के अंदर अंडों का मसला ना आए, वो कच्चे अंडे ना फेंके या उसके अंदर अंडों की बंदिश ना हो, तो इस हिसाब से लेयर फीड जो है ना वो अंडों के हिसाब से बनाई गई है कि अंडों की मकदार ज़्यादा हो। तो इसके अंदर जो प्रोटीन की मकदार है वो ब्रॉयलर फीड की तरह 30% 40% तक नहीं होती। इसके अंदर से ब्रॉयलर के मुकाबले में जो लेयर फीड है, इसके अंदर जो प्रोटीन की मकदार है वो तकरीबन 16-17% होती है, और मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका वो कार्बोहाइड्रेट्स पर मुनहसर होता है, यानी कि वो जिससे मुर्गी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर ब्रॉयलर से ज़्यादा जो मकदार होती है, क्योंकि ब्रॉयलर के अंदर तकरीबन 10-15% ऑयल होता है, फैट होता है, तो उस मकदार को बढ़ा दिया जाता है लेयर फीड में, ताकि मुर्गी को अंडा देते वक्त खुश्की का सामना ना हो और अंडा इजीली दे। तो इसके अंदर ऑयल की मकदार, फैट की मकदार बढ़ाकर 30% कर दी जाती है। 30% ऑयल और फैट की मकदार होती है, 16-17% इसके अंदर प्रोटीन होता है, और बाकी जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ताकि मुर्गी को एनर्जी मिले, ठीक है। और जो अंडे की जर्दी होती है, जर्दी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा होता है वो फैट्स और ऑयल के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो इस वजह से इस फीड के अंदर जो है ना ऑयल की और फैट की मकदार जो है ना वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, ताकि अंडे जो है ना वो अच्छे मकदार में दें, अच्छे साइज़ के दें, और अंडों के अंदर कोई मुश्किल ना आए। तो ये जो है ना, आज मैंने आपको लेयर फीड के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देनी थी कि ब्रॉयलर फीड के मुकाबले में लेयर फीड क्यों डिफरेंट होती है, और उसके अंदर क्या मकदार जो है ना वो उसके जो फार्मूला है, उसका फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज की जो है ना, इस वीडियो का इख्तिताम हुआ जाता है। भाइयों, मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। We'll be right back.